भाई इतना सा निकालने के लिए पूरा बेरिंग खोलना पड़ा हम लोग को भाई। तो भाई ये निकल दिया है यहाँ से, कुछ नहीं है, दिखने में ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है नहीं उतना। बहुत दिनों के बाद आज वापस से अपन आ गए एक नई एंटॉक मॉडिफिकेशन लेके, जो कि है पीछे का जो मड़गढ़ है उसको रिमूव करने वाला हूँ, उसको निकालने वाला हूँ। तो चलते दोस्त के गैरेज पे जाके, बाकी का वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं करने वाला हूँ ऑफ, तो चलो वहाँ पे ही मिलते सीधा। अपन आ गए दोस्त के गैरेज पे, इसको निकाल देते हैं। ये जो पीछे मड़गाड़ है इसको रिमूव करने गए अभी, नंबर प्लेट में निकाल के रखा हूँ बिकॉज ये निकालने का था। मैं सुबह ही नंबर प्लेट निकाल दिया है उसका। ये फेरिंग है ना, पूरा खोलना पड़ता है अपने को। इसका मैं स्क्रू दिखाता हूँ किधर किधर आता है। ये दो आता है यहाँ पे, दो आता है दिख के। लास्ट वीडियो में बताया था ऐसा प्लग रहता है, उसको सिर्फ पुश करके खींचना पड़ता है, वो निकल जाता है अपने आप। बहुत इजी है, आप अपना खोलोगे ना तो आपको समझेगा। अभी वो यहाँ का निकल दिया है अपने, अभी सिर्फ ये और ये हटा के इसके जो अंदर का स्क्रू रहता है तीन चार, वो निकाल के पूरा पैनल निकालना पड़ेगा। अभी अगर खोल रहे हो तो आराम से खोलना भाई, नहीं तो जाएगा वो अंदर टंकी। पूरा दिमाग लगाते हुए तो पूरा लॉक निकालना पड़ता है यहाँ से। ये भाई ने निकाल दिया है, मैं यहाँ पे सिर्फ ये प्लग रहता है उसको नीचे खींचने का, खींचते वो निकल जाता है। अभी यहाँ पे एक नट रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे दो, ये और ये पूरा खोल के ये दो कपलर और ये दो, यहाँ पे कपलर है और यहाँ पर है, इसको दबा के खींच के इसको पीछे पुश करने का पूरा, यहाँ से खींचने का। और ये तीन है, इसको भी निकालने का है तभी वो निकलेगा। वो सिर्फ इतना ही निकालने जाओगे ना वो लॉक भी अपने हाथ से टूटेगा, इसीलिए हम लोग पूरा फेरिंग खोल रहे हैं इसका। और ये खोलना पड़ेगा, भाई इतना सा निकालने के लिए पूरा बेरिंग खोलना पड़ा हम लोग को भाई, बहुत है। ये निकाल दिया है यहाँ से, कुछ नहीं है, दिखने में ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है नहीं उतना। डायरेक्ट निकल जाता है यहाँ से और यहाँ पे, ये दो ही नट है। देखते हैं अभी लगा के कैसा दिखता है, लुक कैसा आ रहा है। भाई अपना काम हो गया है, रिमूव करके हो गया है, कुछ नहीं है, सिंपल है। मैं आपको ठंडे दिमाग से अच्छे लोकेशन पर, शांति के लोकेशन पर लेके जाता हूँ। तो भाई हम लोग आ गए लोकेशन पे जहाँ पे आपको दिखाना था। आज तीसरा या चौथा दिन है, चार दिन बाद आ रहे हम, क्योंकि उस दिन आ नहीं पाया क्योंकि अंधेरा हो गया था।
कुछ इस तरह से लुक आता है, देख लो। और हाँ, और एक बात, ये नंबर प्लेट का हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं। सोच रहा हूँ टिल्ट आईडी डाल दूँ यहाँ पे, टिल्ट वाला नंबर प्लेट आता है वो डाल दूँ, ज़रूरत होगा तभी नीचे कर दो, नहीं ज़रूरत है तभी ऊपर कर दो, वो फोल्डिंग वाला रहता है। उसका भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। इसका डिसएडवांटेज भी एक है, मैं बोलता हूँ मड़गाड़ निकालने का, क्योंकि पूरा जो कीचड़ रहता है बारिश के टाइम पे, पूरा टेल लाइट तक उड़ जाता है, टेल लाइट तक आता है, तो ध्यान रखना। जो पिछला क्लिप है उसमें दिखाई नहीं दिया रहेगा, अभी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो स्क्रैचेस है ये तभी नहीं थे, उसके बाद हम लोग व्हीली ट्राई किया, वो उसका नतीजा है। और इसका तो फुल डिटेल दो वीडियो है अपने चैनल पे, ये फॉग लाइट का, ये भी देख लो, ये कुछ ऐसा दिखता है। ये डबल कलर है, वाइट भी जलता है, मैं वाइट जला के दिखाता हूँ। ऋषि भाई जला सकते हो क्या थोड़ा? ये येलो है, ये वाइट है, और येलो दिखाओ, ये येलो है, येलो ही ठीक है। इसका मिरर भी हम लोग ने निकाल दिया है, जब ये मड़गाड़ निकाल रहे थे तभी मिरर निकाल दिया है, बिकॉज अब ये साइड मिरर एक बार डाल, और वैसे भी ये कुछ ही दिनों के लिए लगा दूंगा, क्योंकि अगर लंबा किधर जाना होगा राइड पे तो मिरर बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप भी विदाउट मिरर का भी गाड़ी मत चलाओ, बस इतना ही। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशन के लिए आप भी जाके सब्सक्राइब कर दो भाई, और लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत जन मिलते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन में, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन रहेगा ग्राफिक, क्योंकि हम लोग तो नहीं मैंने कांड कर दिया, तो मेक श्योर करूँगा कि नेक्स्ट टाइम गार्ड व्हील लगा के व्हीली या कौन सा भी स्टंट करूँ। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय, थैंक्स, लव यू।